घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे रूबरू होने का वक्त हो चला है और कार्यक्रम मजबूर किसको बुला लेकर हाजिर हूं मैं मोहनलाल शर्मा। नमस्कार दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, आपने अपने घर के इर्द गिर्द कभी बच्चों को काम करते देखा है? हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इन बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, खेती बाड़ी में, घरों में, ढाबों में या तमाम दूसरी जगहों पर काम करते न देखा हो। न सिर्फ इन जगहों पर बल्कि ये खतरनाक उद्योग धंधों में भी काम करते हैं। पर सवाल ये कि वो उम्र जो इनके स्कूल जाने, इनके पढ़ने लिखने के लिए है, ये मजदूरी करेंगे तो इनके भविष्य के सपनों का क्या होगा? अक्सर कुछ परिस्थितियां इन बच्चों को स्कूल जाने और इन्हें इनके अधिकार पाने से रोकती हैं। इन पर काबू पाना बच्चों का नहीं, बड़ों का काम है। दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ कर गुजरने की चाह इन बच्चों को बाल मजदूरी से निजात दिला सकती है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है उपेंद्र। माँ बाप का कर्ज ऐसा कि उसने उपेंद्र को बाल बंधुआ मजदूर बना दिया, पर उपेंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन क्राई की सहयोगी संस्था चेतना के प्रयासों के चलते जब पढ़ाई शुरू की तो न सिर्फ उसका वर्तमान बदल गया बल्कि भविष्य भी सुरक्षित होने लगा। हमारे घर में खाए की बहुत कमी रही। अम्मा हरे माँ दिन दिन भर पथरप हो रहे, कर्जा ले ठेकेदार वगैरह बिगड़े उनका कि तुहां लड़का घूमत है। बाबू हरे मार कहन नहीं अबे छोट छोट है, काम करे लाए नहीं है, तो कहन खाए भर जाना थे, काम करे नहीं जानते, ले जाए कि चुप्पे चाप बुला लिया काम करवावा। हम आऊ बचे दिन दिन भर बकरी चराए, बाबू हरे हमार काम कराए, हम बचे जाए जंगल में बकरी चराई। हाँ मारत पीट रहे, जब हम बचे खेले वेले लागी ना तो मारा पीटे लागे कि कहे खेला था पैसा ही खाती ले है, तो का खेले खाती पैसा दे है का कि काम करे खाती पैसा दे है, चल के चुप मारे काम करा। तो संचेतना संस्था वाले आए कहन कि तू बेचारा रच रच लड़का है, अब अहिने से काम करत है तो तुम अपनी जिंदगी खराब हो जाए, तुम अपनी के आगे भविष्य के क्या हो, तो तू जब काम करत बंद कर दे। अब सब लड़का गांव के इकट्ठा भाई लड़का तो एक मीटिंग गदेला गदेला के रखी भाई कि उनमें बाल पंचायत बनाई, बच्चों की पंचायत, तो हम बाल पंचायत के बाल प्रधान भाई। ए मजबूर किसको?